जहां राज्य में पहले चरण की चुनाव की तैयारियों में सभी व्यस्त हैं, वहीं इसी क्रम में खूंटी जिले के कोचांग से ग्राम प्रधान सुखराम मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बता दें आपको, पिछले साल कोचांग में हुए गैंगरेप का विरोध करने के कारण सुखराम मुंडा की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना में PLFI और माओवादियों के समर्थक भी शामिल थे। मामले को लेकर अड़की थाना क्षेत्र के बोहंडा इलाके से दोनों माओवादी समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही इन पर हत्या, अपहरण और स्कूटी में आग लगाने के मामले को लेकर अड़की थाना में 4 मामले भी दर्ज हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोली, भाकपा माओवादी के कई पर्चे, नक्सली साहित्य, बैनर और पिट्ठू बैग बरामद किया है। ग्राम प्रधान सुखराम मुंडा की हत्या इस वर्ष जुलाई माह में हुई थी, जिसके संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, वो ग्राम बोहंडा के क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, जिसके संबंध में फिर हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया, जिसमें एडिशनल SP अभियान श्री अनुराग राज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशीष महली, उसके अलावा CRPV 157 बटालियन के उप समादेष्टा जितेंद्र, 26 बटालियन SSB उलिहातू के तरफ से पूरी टीम, उसमें वासुदेव दास जो असिस्टेंट कमांडेंट है, उनके द्वारा लीड किया गया, और इन सभी गठित टीम के द्वारा उस क्षेत्र में छापामारी की गई। और छापामारी के दौरान जो 2 मुख्य अभियुक्त इस घटना में थे, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सबरंग समाचार के लिए खूंटी से जितेंद्र सार की रिपोर्ट।